गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीपक आर्ट खुरपा। साथियों, आज हम सीखेंगे क से स्र तक 39 व्यंजन। तो आओ शुरुआत करते हैं क से। यहाँ लिखते हुए हम ध्यान देते हैं कि जो 39 व्यंजन लिखेंगे उसमें से पहले पांच लाइन में पांच पांच व्यंजन लिखेंगे, जैसे क ख ग घ अंगा, फिर नीचे से च छ ज झ इया। इस प्रकार पांच पांच का एक ग्रुप बना के पांच बार लिखेंगे, जैसे कि मैं अभी ये ब्लैक बोर्ड में चाक की सहायता से लिख रहा हूँ। आपको पता है कि चाक को या ब्रश को हम 315 एंगल में पकड़ते हैं इस प्रकार से, और एक सुंदर राइटिंग बनाते हैं। ये आपका द्वितीय लाइन, सेकंड लाइन, जिसमें च छ ज झ और इया लिखेंगे। तो चलिए, इस प्रकार आप ध्यान से देखते रहिए। अब हम पांचवा लाइन लिख रहे हैं, जिसमें प फ ब भ और म लिखेंगे। इसके बाद आगे के दो लाइन, जिसमें हम लिखेंगे य र ला और वा। इसको हम चार के बाद जो पांचवा लेटर है, अक्षर है, उसको नीचे से लिखेंगे। इसको भी हम चार बार लिखेंगे, सा 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 और हा। इस प्रकार पहले पांच लाइन में पांच पांच, फिर दूसरे दो लाइन में चार चार, और आखिरी के दो लाइन में तीन तीन, जिसमें हम लिखेंगे छत्र ग्या, और आखिरी के लाइन में लिखेंगे अड़ा अढ़ा और स्र। इस प्रकार पहले
पांच लाइन में पांच पांच निकले लिखने से वो हो गया पाँच गुना पाँच मतलब 25 अक्षर। दूसरे दो लाइन में लिखते हैं हम लोग चार और चार मतलब आठ, तो 25 और आठ 33, 33। और आखिरी दो लाइन में लिखेंगे हम तीन और तीन मतलब छः, तो 33 और 6 मतलब 39। इस प्रकार देवनागरी लिपि जो है एक वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक लिपि है, जिसको हम हमेशा इसी क्रम में लिखें और बच्चों को इस क्रम में सिखाएं, जिसका लाभ आगे चलकर बहुत ही बढ़िया है और समझने में आसानी होगी। आपको यह वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।